और वहीं भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 की पहली एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक हरियाणा के गुरुग्राम में शुरू हुई। एक दिन पहले ही भारत पहुंचे विदेश प्रतिनिधियों का हरियाणवी संस्कृति में भव्य स्वागत किया गया, साथ ही कई मुद्दों को लेकर भी चर्चा हुई। रिपोर्ट देखिए। भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 की पहली एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक हरियाणा के गुरुग्राम में शुरू हुई। एक दिन पहले ही भारत पहुंचे विदेशी प्रतिनिधियों का हरियाणवी संस्कृति से भव्य स्वागत करके उन्हें अच्छा फील कराया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है। पारंपरिक हरियाणवी तरीके से सभी मेहमानों का स्वागत किया गया। वहीं इस मेहमान नवाजी से विदेशी प्रतिनिधि काफी खुश नजर आए। उद्घाटन सत्र में भारत की ओर से G20 ACWAG चेयर राहुल सिंह व इटली से को चेयर गियेवन्नी तर्तागलिया ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। भारत के पर्सनल एवं ट्रेनिंग विभाग के सचिव राधा चौहान इटली से प्रेसिडेंट नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन स्कूल एवं पूर्व कानून मंत्री प्रोफेसर पावला सेवरिनो व केंद्र मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपना वक्तव्य दिया। बता दें कि ACWG की यह 3 दिवसीय बैठक 1 से 3 मार्च 2023 तक चलेगी, जबकि G20 प्रतिनिधियों ने भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक के पहले दिन की शुरुआत योग सत्र के साथ की। केंद्र मंत्री जितेंद्र सिंह ने बैठक में शामिल G20 प्रतिनिधियों का स्वागत किया और मंत्री ने गुरुग्राम में जारी पहली ACWG बैठक के शुभारंभ सत्र को संबोधित किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों को मजबूत करने और भ्रष्टाचार की व्यापक चुनौतियों से निपटने में भारत अहम भूमिका निभाएगा। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान G20 की विभिन्न बैठकें देश के कोने कोने में आयोजित हो रही हैं, क्योंकि भारत इस दौरान अपनी संस्कृति, कला, ऐतिहासिक विरासत और स्थलों से सभी विदेशी प्रतिनिधियों को परिचित करा रहा है। इसी क्रम में हरियाणा के गुरुग्राम में चल रही G20 की पहली भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक के दौरान विदेशी प्रतिनिधि हरियाणवी कला एवं संस्कृति से रूबरू होंगे। इसके अलावा प्रतिनिधि ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और स्थानीय व्यंजनों के माध्यम से हरियाणा की संस्कृति का अनुभव करेंगे। बता दें कि पहले सत्र में भ्रष्टाचार और संबंधित आर्थिक अपराधों के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए सूचना साझाकरण में सुधार पर चर्चा की गई। इसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट टैक्सेस के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने संबोधित किया। G20 देशों की गुरुग्राम में बैठक 3 दिन तक चलेगी। इसके बाद 4 मार्च को विदेशी प्रतिनिधि मंडल को हरियाणा की कला एवं संस्कृति से रूबरू कराया जाएगा। उनके सम्मान में कई तरह की तैयारियां की गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।